बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दें, सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने अकबर को महान बना दिया, सीएम ने बयान दिया, विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंदिर में शब्द गढ़े गए, समाज को भ्रमित किया गया। मैंने देखा है लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला। तो सीएम ने एक बार फिर से विपक्ष को घेरा है, सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा। लखनऊ में एक परिवार है, मैंने देखा है कि वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला। तो सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने अकबर को महान बनाया, और मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए लिखा, समाज में हर तबके को सम्मान देना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी काम भी कर रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए विपक्ष पर हमला किया है, उन्होंने लिखा, समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वो तो केवल खानदान के लिए काम करते थे। तो तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों ने महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बता दिया, विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंदिर में ऐसे शब्द गढ़े गए कि समाज भ्रमित हो जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष को घेरा है और उन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि ऐसे शब्द गढ़े गए जिससे कि समाज को भ्रमित करने का काम किया गया, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंदन किया गया और तुष्टीकरण की राजनीति में महाराणा प्रताप को नीचे दिखाया गया और अकबर को बड़ा दिखाया गया, महिमा मंदन किया गया, ऐसे शब्दों का गठन किया गया जिससे समाज भ्रमित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं, विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंदन में ऐसे शब्द गढ़े गए जिससे कि समाज भ्रमित हो, और इसके बाद उन्होंने लिखा कि हमारे लिए ओबीसी एससी एसटी महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है, समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए है, सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के ये सभी माध्यम है। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने कई ट्वीट किए और विपक्ष पर हमला किया, इसके बाद उन्होंने लिखा, आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी उस तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे, यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम से प्रेरणा लेता है तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करते हुए हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। और इसके बाद मुख्यमंत्री का एक और ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं देख रहा था लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन जब सीएए के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने के लिए पहुंचे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल पड़ा। कोरोना काल खंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे, चुनाव में भी उन्हें ट्विटर पर ही खेलने के लिए छोड़ देने की आवश्यकता है। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री के कई ट्वीट आप देख रहे हैं और उन्होंने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को घेरा है, उनके पूरे परिवार को घेरा है, कहा कि कोरोना कालखंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे और अब ऐसे में चुनाव में भी उन्हें ट्विटर पर ही खेलने के लिए जनता छोड़ दे, ये अपील उन्होंने जनता से की है।